मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, मजे में हूँ एकदम। काफी दिनों के बाद व्लॉग शूट हो रहा है। सो हम जा रहे हैं कल एक ट्रैक पे, कहाँ जा रहे हैं वो आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। फिलहाल अभी मैं तैयार होता हूँ बढ़िया मस्त नहा धो के, फिर उसके बाद बाजार जाना है। कल ट्रैक के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, अपना स्लीपिंग बैग, टेंट और बैग पैक निकाल लिया मैंने। तो बाकी जाके अब खाने पीने का सामान लेना है हमने, शॉपिंग करते हैं जाके, बाकी दोस्त से मिलते हैं जाके, एंड हिमांशु भी होगा बाजार में। सो कौन कौन जाएगा ट्रैक पे, कहाँ जा रहे हैं हम, बाकी बस वीडियो में बने रहना, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी तैयार होते हैं, फिर चलते हैं बाजार, बाजार चल के मिलते हैं सबसे, और बस बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में जानने के लिए। इस पूरी ट्रैक के सीरीज में बने रहना, बहुत मजा आएगा, एंजॉय करेंगे, फुल फन होगा इसमें। मैं तो हो गया रेडी बढ़िया मैं साथ होके, अब चलते हैं बाजार। लेकिन बाजार जाने से पहले मैं कर लेता हूँ अपना वेट चेक, क्योंकि मुझे बड़ी ज्यादा क्यूरियोसिटी टाइप भी समझ लो, 4-5 दिन का ट्रैक होगा डेली, हमें 3-4 घंटे तो मिनिमम चलना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ 4-5 दिन में कितना कर वेट कम होता है मेरा, तो जाने से पहले अपना वेट चेक करता हूँ मैं कितना है, फिर वापिस आने के बाद भी चेक करेंगे कितना है। 83.90 kg वेट है अभी, आके देखते हैं कितना होता है। ठीक है, तो निकलते हैं अब सीधा बाजार को। तो शैंड हिमांशु भी वेट कर रहे होंगे, मोहल्ले में ही जाएंगे अपने पुराने वाले चमचनी में, वहीं पे मिलेंगे, वहीं से साथ में आरती ट्रेड्स है, वहां पे सामान लेंगे अपना। तो उसने लिस्ट तैयार कर ली है, चल के आपको लिस्ट भी दिखाते हैं एक बार, चलो चलते हैं। फिर जाने से पहले एक काम याद आया मुझे, ये बैग ले चलता हूँ अपने साथ, क्योंकि सामान जो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा मैं आज ही करवा लूंगा अपना, अपने साथ ही ले आऊंगा, फिर कल सुबह सीधा निकल जाएंगे हम। हमारे फाइनली तोश भाई से हम मिल रहे हैं आखिर आफ्टर लॉन्ग टाइम। तैयारी है तोश भाई? फिर फुल तैयारी है, बस चलते। बैग मैं भी ले आया है ना, है ना, ठीक है ना, अगर सामान डालना होगा इसी में डाल के ले चलूंगा ना मैं सारा, बाकी चलते हैं हम सारा जाके सामान लेते हैं। तोश भाई ने अपना बैग निकाल लिया, तो चले फिर, जा कहाँ रहे हैं हमको बता दो, बंदों को मैंने बताया नहीं। हम जा रहे हैं खुंडी माता, खुंडी माता एक ट्रैक है बहुत ही सुंदर, आपको वहाँ लेके जाएंगे, बने रहना ब्लॉग में, पूरे ब्लॉग में फुल मजा आएगा आपको, संतुष्टि, वादियाँ दिखाएंगे, फ्लावर वैलीज, ग्लेशियर्स, वाटरफॉल्स, सब कुछ, दूध की नदियाँ, दूध की नदियाँ कहाँ से शुरू होती है नदियाँ, वो डायलॉग आता है ना, हाँ, ये नदी कहाँ से शुरू होती है, हम आपको बताएंगे वो नदी कहाँ से शुरू होती है। गाइस पहाड़ों के पीछे बने रहना हमारे साथ, चलो चलते हैं, राज्य को फोन कर कहा सामान लेते हैं। तो गाइस ये लिस्ट हमारी तोश भाई ने तैयार की हुई, ये सामान लेना है हमें जाके, बाकी हमें तो ऊपर वहाँ पे लंगर भी मिल जाएगा, गांव वालों ने लोकल जो होते हैं उन्होंने लंगर लगाए होते हैं, तो आसानी हो जाती है, बड़ी खाने पीने में भी हेल्प हो जाती है, मजे से जाते हैं बंदा रिलैक्स होके एकदम, बट बीच में अपना भी लेके जाना पड़ता है, बीच में भूख लगती है, तो हर जगह लंगर तो है नहीं, कोई कोई स्टेशन होते हैं जहाँ पे लंगर होते हैं। सो चलते हैं अब अपना सामान लेते हैं जाके, और चलो। सो गाइस हमारा मॉडल आता हुआ, इसकी हाइट कुछ ज्यादा लंबी नहीं लग रही है इसमें, राजा जी ठीक हो? बढ़िया बढ़िया भाई, चले चलो, तैयारी है? आपको फोन तो किया था मैंने यार। हम आ गए हैं हमारे शॉपिंग मॉल में चंबा का इकलौता सा, यहाँ पे सामान ढूंढते हैं हम, क्या क्या लेना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, हैं? सूप से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ से ले ले कोई सूप। तो गाइस नेक्स्ट आइटम ले रहे हैं हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए, ओट्स लिखे हैं वैसे, पोहा देखा हमने, अब डिसाइड कर रहे हैं ओट्स ही लेना, पोहा नहीं लेना, चलो कोई नहीं, ओट्स देखते हैं, पोहा कैंसिल। गर्मी करनी है पानी में, एक है स्वीट कॉर्न बने बनाए, ये गर्म करने पानी में। नेक्स्ट आइटम वर्ल्ड फेमस आइटम मैगी, टोकरी भरते जा रहे दोस्त भाई मैगी से,
20 वाले पैकेट है ना, कितने कर लिए, 10 लिए कि 5 लिए, 7 लिए पैकेट। चल ठीक है, नेक्स्ट आइटम देखो गाइस, दूध भी आ गया हमारा, सुखा दूध आधा आधा किलो के 2 पैकेट, न्यूट्रीफाई, ओट्स, हाँ ओट्स भी तो लेने हैं हमें। नेक्स्ट आइटम हमारी पॉपकॉर्न्स आ गए, खाने पीने की तो दोष है हमारे को, पूरी मौज कराने वाला है ट्रैक पे। कितने पैकेट ले रहे, 10 पैकेट, हाँ ठीक है, 8 बंदे हैं, अलग अलग फ्लेवर ले रहे हैं ना, 7 ठीक है। क्रंचीज रोस्टेड, रोस्टेड क्रंचीज ले लिए दोष भाई ने अभी, खाने पीने का सौदा तो पूरा है, पूरी पैकेट ले ले। हाँ चाय के साथ बिस्कुट 2 पैकेट ठीक है, हाँ सही बोला। प्लेसिड हेयर, शिकारी शिकार पे निकलता हुआ कॉफी की, कितने लिए, एक ही पैकेट। आज हमारा ब्रेकफास्ट का सामान भी आ गया, क्विकर ओट्स, क्विकर नहीं कैलॉग्स, क्या ये बोला ना, ठीक है हाँ ठीक है, टॉफी ये वाली ठीक है, मिक्स पैकेट ठीक रहेगा, टॉफी का एक ही पैकेट बड़ा क्या बोल रहा है ना, हाँ तो बड़ी है एक में 50 से तो ऊपर ही होनी है ना, हाँ तो ठीक ठीक है, तो ले ले एक पैकेट और पकड़ ले। गाइस प्रोफेशनल बंदा हमारे साथ ट्रैक पे हो तो कोई कमी नहीं रहती है। गाइस बास्केट भरती हुई, एक और बास्केट लेने पड़ सकती है हमें, अवेलेबल 2 पर्सन हो सकता, उसे भी पता करी के बताना, ट्रैक पे खुद जा रहा है, बंदों को भी ट्रैक पे भेज रहा है, लाइफ हो तो ऐसी। मक्खन भी आ गया गाइस, मक्खन सेम ही डाल दो, सेम ही आ गई गाइस, ड्राई फ्रूट्स भी आ गए हमारे पास, हमारा ट्रैकर हमारा पूरा ख्याल रख रहा है खाने पीने का, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे मेरा तो हाथ थक गया, टोकरी पकड़ पकड़ के मैंने रख दी टोकरी वहाँ पे, वहीं रखेंगे सामान अपना। लिस्ट चेक हो रही है, चॉकलेट्स आ गई हमारी, मंच बाकी लिस्ट में तैयार कर रहा है दोष भाई, मैक्रोनी बची है बस। तो गाइस हमारा सारा सामान पैक हो चुका है, अब बस बिलिंग होगी यहाँ पे, फिर उसके बाद बिलिंग कराते हैं और निकलते हैं अपना आगे के लिए, आगे देखते हैं क्या बनता है फिर प्लान आगे का हमारा। सामान पैक हो गया है, पैकिंग हो गई सारी, पैकिंग तैयार कर ली हमने, बिलिंग हो गई है, अब निकलते हैं यहाँ से, मेरे को कटिंग करानी है, कटिंग कराते हैं फिर उसके बाद चलते हैं घर को, बाकी का प्लान देखते हैं क्या बनता है। तो गाइस हमारे पास थोड़ा सामान बच गया जो वहाँ नहीं मिला हमें, ना वही सही गल ले चल के बाजार, तो अब वो लेने जा रहे हैं थोड़ा सामान जो बचा बाजार, तो चल के वो लेते हैं अब जाके सीधा। गाइस एक बार फिर से हम आ गए हैं हमारे शक्ति भाई के पास कटिंग करवाने, आप लोगों के पास होगा आपका दुर्गेश नाई, हमारे पास है शक्ति भाई। सो गाइस हमारा सारा सामान आ गया, पैक कर लिया हमने, शीट्स भी ले लिए, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और मैंने कटिंग भी करा ली अपनी, अब निकलेंगे यहाँ से घर को, आऊँगा मैं, भूख भी काफ़ी लगी है, खाना भी खाना है घर जाके, फिर आपको शाम को मिलते हैं, सामान भी डिस्ट्रीब्यूट करना है सारा, फिर निकल जाए यहाँ से अब सीधा घर को। टीम लग गई है हमारी मैटो मैट को आधा करने में। सो गाइस मैं आ गया हूँ घर वापस, बाजार से हमने जो जो सामान लेना था वो सारा ले लिया और अब भूख लगी है, खाना खाता हूँ मैं, तो खाने में आज है पतरोड़ू और चपाती, और मैंने ये सारा सामान भी निकाल लिया अपना जो जो पैक करना है, बैग भी लाया मैं वापस, टेंट वगैरह सारा आज मैं टोश भाई के घर ही छोड़ाऊंगा अपना बैग सारा पैक करके, और फिर कल सुबह यहाँ से सीधे बाइक लेके बाजार और फिर सीधा खुंडी माता के लिए ट्रैक के लिए। बस अब खाना खाता हूँ फिर पैक करते हैं और फिर करते हैं इस व्लॉग को भी खत्म, खाना मैंने खा लिया, करते हैं अभी सामान को भी पैक सारा, एंड अब बस व्लॉग ये आएगा, उसके बाद व्लॉग आएगा ट्रैक के आने के बाद ही, तो बस बने रहना मेरे साथ इस व्लॉग में, इस पूरी सीरीज में। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।